हिसार के मिलगेट क्षेत्र के 12 क्वार्टर में स्थित शिवनगर के एक मकान की छत जर्जर हालत होने के कारण गिर गई और उसके नीचे बैठे 5 लोग मलबे में दब गए। इससे एक युवक की मौत हो गई और 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति को मामूली खरोचे आई हैं। जानकारी के अनुसार शिवनगर में कृष्ण नामक व्यक्ति का मकान है। सोमवार सुबह 10:30 बजे के करीब कृष्ण की पत्नी ममता, उनका बेटा मनोज और हरीश, मनोज का भांजा नरेंद्र और पड़ोसी विशाल बैठे थे। अचानक से मकान की छत भरभराकर गिर गई और सब उसके नीचे दब गए। छत गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए और तुरंत मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को मलबे के नीचे से निकाला। लोगों ने सबको इलाज के लिए सामान्य अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान 29 वर्षीय मनोज की मौत हो गई। मनोज की मां ममता को भी गंभीर चोटें आई हैं। परिवार का मुखिया कृष्ण किसी काम से घर के बाहर गया हुआ था। मृतक के रिश्तेदार के अनुसार मनोज का 1.5 महीने पहले ही ब्याह हुआ था और वह 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आया था। परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई है। ये सुबह 10:30 बजे की घटना है, तो ये घर पे सभी घर पे थे, तो मनोज और मनोज के भाई, उनकी एक सिस्टर, 2 बच्चे और मेरी मामी जो मनोज की मम्मी है, तो ये सभी घर पे ही थे। तो अचानक से छत गिर गई। पुराना 20 साल के लगभग ये मकान पुराना है, तो इनमें से मनोज तो मौके पे तो नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाते वक्त एक्सपायर हो गया। और मनोज की मम्मी जो ममता है 50 साल की, उनको भी गंभीर चोटें हैं। एक भांजा है लक्की नरेंद्र को चोटें लगी हैं। एक इनका दोस्त था विशाल और हरीश, इनको भी कुछ चोटें लगी हैं। तो इनको तो दवाई पानी दे दिए, लेकिन ये 3 अभी एडमिट ही हैं। और अभी मनोज की शादी 1.5 महीने पहले ही हुई थी, तो और 2 दिन पहले ये ससुराल से आया है, जबकि इसकी मिसिज वहीं पर अभी उनको फ़ोन किया है। और मामा जी भी बाहरी थे, जो इनके पिताजी हैं कृष्ण, वो बाहरी थे। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये बहुत ही गरीब परिवार है, और अगर इनकी कुछ आर्थिक सहायता हो जाए तो बहुत बहुत प्रशासन की धन्यवाद है।